हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल इनोवेशन। सो स्वागत है। आज है, वेट अ सेकंड, 17 मई और टाइम हो रहा है वही लगभग 6 बजे हैं, देख लो फ्राइडे है टुडे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपके लिए एक, या मेरे लिए, आपके लिए क्यों होगी, तो आप तो मेरे व्यूवर्स हैं तो मैं तो आपके लिए कंटेंट्स बनाता हूँ। सो गाइस, आज एक काफ़ी ज़्यादा बोल सकता हूँ लकी डे है मेरा, क्योंकि आज मेरे रेनॉल्ट डस्टर का काम स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, स्टार्ट हुआ है, तो कुछ पिक्स अलॉट कर रहा हूँ। देखो अभी लाइट बंद हो जाएगी, अब देखो जल जाएगी। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इनोवेशन में। अगेन आपको मैं अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपना जो भी बोल रहा हूँ दे रहा हूँ। सो गाइस, आज मेरी क्या हुआ कि रेनॉल्ट डस्टर का काम स्टार्ट हो गया है। उसका कुछ हमने एडवांस पेमेंट किया है, वो डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। साउंड तो क्लियर आ ही रहा होगा। और गाइज, एक और बात, मेरी गाड़ी में मैंने सोचा था हल्का फुल्का डैमेज होता है, तो एक्सीडेंट बाहर से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप जैसा देख सकते हैं, मेरी गाड़ी का इंजन जैसे लेफ्ट साइड से मार पड़ा है, तो लेफ्ट साइड से वो मोस्टली डिप्रेस्ड हो गया है। इंजन में डिप्रेशन नहीं आई है, बेसिकली उसका जो फ्रेम होता है चेसी होती है, ऐसे उसे चेसिस बोलते हैं हम, मैं उसे प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ चेसी। तो चेसी पूरी उसकी बेंड हो गई है, डिप्रेस हो गई है। तो ज़्यादा इसमें खर्चा क्या आएगा, खर्चा आया था, मैं इसको न्यू कार बुक में ले रहा हूँ। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि मैंने न्यू गाड़ी बुक कर ली है और डस्टर मेरे पास थी ही नहीं, कभी न्यू डस्टर आ रही है। इतना तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये जो डस्टर बनने वाली है काफ़ी ज़्यादा ऑसम बनने वाली है और कहीं से कोई शिकायत तो होगी नहीं। फर्स्ट थिंग ये है कि रेनॉ में बनने वाली है गाड़ी, तो ये बात है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स डैमेज हैं, फ्रंट के लेफ्ट साइड को लेके, और राइट साइड में डैमेज नहीं है उतना कुछ, अच्छा खासा क्या, लिटिल बिट भी डैमेज नहीं है, ओनली फेंडर डैमेज है, एक्सटर्नल डैमेज। बाकी इंटरनल डैमेज जो मोस्टली है वो है लेफ्ट साइड से डैमेज है। इंटरनली भी काफ़ी दिनों से गाड़ी पड़ी हुई थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट कोई चिड़ियाँ वड़ियाँ क्या, गाड़ी का विंडो खुला था, दो मौसम सह लिया गाड़ी ने, तो अब तो यार डैमेज। पेंट क्वालिटी तो खराब होगी, पेंट क्वालिटी वैसे खराब नहीं होगी, गाड़ी कवर थी। रेनॉ का मैं अपोलोगाइज कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से गाड़ी को टैकल किया उतने दिनों तक, और काफ़ी अच्छा मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छा मतलब उस ख्याल से नहीं बोल रहा हूँ कि मोटा जा रहा है, कॉस्ट जितना है उतना जा रहा है। और आपको कभी भी गाड़ी बनवानी हो, मैं आपको हमेशा सलाह करूँगा वर्कशॉप में ही बनवाएं, खास करके रेनॉ, वॉक्सवैगन, फोर्ड, ये सब की गाड़ी वर्कशॉप में बनवा लीजिए। आपको लगेगा थोड़ा पैसा और ये आपको लगेगा भी कि मैंने क्यों बनवाया, इस जो आपको बनवाने बोला होगा आप उस पर भी गुस्सा करेंगे, हो सकता है उसको गाली वाली भी दें कि क्या किया, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन जब आपकी वो गाड़ी चलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये पैसा वर्थ गया है, कोई मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी परफेक्ट एकदम हो रही है, मैं आपको कुछ फोटोज डिस्क्लोज करता जा रहा हूँ। इस साइड में कर रहा हूँ तो अपोजिट साइड आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होने के बाद अपोजिट वीडियोज दिखती हैं, तो ऐसा कुछ है। तो गाइस, खर्चा मेरा अच्छा है, जिसको खर्च वर्च जानना है उनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो। हमारा ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल कार क्लब, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, कोई इशू नहीं होगा उसमें। और गाइस, गाड़ी मेरी रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, बस यही मैं बोलने वाला था। और रेनो में रिपेयर हो रहा है, तो गाड़ी को आप देखिए कितने प्यार से उन्होंने टैकल किया है, पूरा मशीनरी। और गाइस, एक और बात बता दूँ, हुआ क्या कि एक भी नट्स तो खोल नहीं रहे, डिसमेंटल करना था उनको गाड़ी को, तो उन्होंने कटर से गाड़ी को काटा है, ठीक है, फ्रंट फेंडर वगैरह ये सब कटर से कटी है, क्योंकि अगर नट से डिस्प्लेस किया जाता, नट से उसको डिसलोकेट किया जाता, तो हो सकता है मैं भी खुलता नहीं, मोस्टली तो ये चांस, क्योंकि नट वट सब यार बेंड हो चुका है और गाड़ी अच्छी खासी तरीके से डैमेज है फ्रंट लेफ्ट से, इसीलिए उन्होंने उसको कट ही करना बेटर समझा। और इंजन इन अ सेफ साइड है, आप देख सकते हैं इंजन जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ है, टोटली इंटैक्ट है। हो सकता होगा कुछ टर्बो चार्जर इन सब का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, हो सकता है वो टूटा भी होगा, मुझे तो लगने लगता है, वो लोग ने अभी ऐसा कुछ नहीं दिया है। और अभी जो बिल आएगा वो और भी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि उस समय जो उन्होंने देखा था उसके हिसाब से उन्होंने बिल बनाया, बाकी राइट साइड भी देख के बनाया था, तो अभी राइट साइड में मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंटैक्ट हैं गाइस, तो हो सकता है कि अभी गाड़ी का बिल उतना कोई अच्छा खासा मोटा ना आए, तो उसी लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी गाड़ी आज बन चुकी है। ऐसा मैं इसको न्यू बुकिंग कार्ड ले रहा हूँ, तो जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं उनको सारे नोटिफिकेशन तो मिल ही रहे होंगे, आते ही जैसे मुझे आते हैं वैसे ही उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि कनेक्टेड है सारा ग्रुप है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। और कुछ नहीं, बस आपको मैं कुछ पिक्स अलॉटेड कर दिया हूँ, देखते रहिए और वीडियोज़ को इन्जॉय कीजिए। थैंक फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल ऑटोमोबाइल इनोवेशन। और गाइस यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना,
मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ 5000 सब्सक्राइबर होते ही जो मेरे फर्स्ट 5 कमेंटर्स होंगे या लाइकर्स होंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो फर्स्ट 5 मैसेज करेंगे उनको मैं क्या उसको बोलते हैं गिव अवे दूंगा 500 रुपीज का, ठीक है? तो तैयार हो जाओ, अगर लेना है तो कर देना, नहीं लेना तो कोई इशू नहीं है, मैं अपने पॉकेट में रखूंगा, मेरा पैसा बच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल एंड एंजॉय दीज पिक्चर्स।